नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि गरीबों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, यहां तक कि मुस्लिम के समाज के भी लोगों को भी आरक्षण दे दिया। एक बाधे वैसी परेशान बड़ा धमका करी। महंगाई भी क्या कहेंगे सर, महंगाई लगातार जैसे बड़ी पेट्रोल गैस की कीमतें। देखिए हम लोग एक विशेष समय में, विशेष संकट के समय में से गुजर रहे हैं। आप देखिए आपके घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा होगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा होगा। एक वैक्सीन का डोज 550 रुपए का सरकार को पड़ रहा है, तो एक परिवार में अगर सोचिए 5 आदमी होगा तो वो 3000 रुपया सरकार ने दिया। अब सरकार भी करती है तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करके ही करेगी। तो ये देश महान है, वो समझता है इस समय प्राण बचाना जरूरी है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने देश भर किया, सोचिए अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ 71 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया मेरे भैया, और हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को हम वैक्सीन लगा देंगे। अब इसके लिए जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है वो उसका डीजल पेट्रोल में आपको दिखता होगा, बाकी तो मोबाइल का कितना सस्ता होगा। नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि गरीबों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, यहां तक कि मुस्लिम के समाज के भी लोगों को भी आरक्षण दे दिया। एक बाधे वैसी परेशान बड़ा धमका करी। महंगाई भी क्या कहेंगे सर, महंगाई लगातार जैसे बड़ी पेट्रोल गैस की कीमतें। देखिए हम लोग एक विशेष समय में, विशेष संकट के समय में से गुजर रहे हैं। आप देखिए आपके घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा होगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा होगा। एक वैक्सीन का डोज 550 रुपए का सरकार को पड़ रहा है, तो एक परिवार में अगर सोचिए 5 आदमी होगा तो वो 3000 रुपया सरकार ने दिया। अब सरकार भी करती है तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करके ही करेगी। तो ये देश महान है, वो समझता है इस समय प्राण बचाना जरूरी है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने देश भर किया, सोचिए अभी जब आपसे बात कर रहा हूं 71 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया मेरे भैया, और हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को हम वैक्सीन लगा देंगे। अब इसके लिए जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है वो उसका डीजल पेट्रोल में आपको दिखता होगा, बाकी तो मोबाइल का कितना सस्ता होगा। नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि गरीबों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, यहां तक कि मुस्लिम के समाज के भी लोगों को भी आरक्षण दे दिया। एक बाधे वैसी परेशान बड़ा धमका करी। महंगाई भी क्या कहेंगे सर, महंगाई लगातार जैसे बड़ी पेट्रोल गैस की कीमतें। देखिए हम लोग एक विशेष समय में, विशेष संकट के समय में से गुजर रहे हैं। आप देखिए आपके घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा होगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा होगा। एक वैक्सीन का डोज 550 रुपए का सरकार को पड़ रहा है, तो एक परिवार में अगर सोचिए 5 आदमी होगा तो वो 3000 रुपया सरकार ने दिया। अब सरकार भी करती है तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करके ही करेगी। तो ये देश महान है, वो समझता है इस समय प्राण बचाना जरूरी है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने देश भर किया, सोचिए अभी जब आपसे बात कर रहा हूं 71 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया मेरे भैया, और हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को हम वैक्सीन लगा देंगे। अब इसके लिए जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है वो उसका डीजल पेट्रोल में आपको दिखता होगा, बाकी तो मोबाइल का कितना सस्ता होगा।